आजमगढ़ के पलना ब्लॉक के विगत 30 अप्रैल को ब्लॉक प्रमुख व उनके सहयोग के द्वारा दो कर्मियों की कथित पिटाई के विरोध में दूसरे दिन भी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सफाई कर्मचारी, सहायक विकास अधिकारी, मनरेगा कार्मिक संघों संयुक्त समन्वय समिति का धरना बुधवार को विकास भवन के सामने जारी रहा। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि विकास खंड पलहना ग्राम पंचायत चिलविला थाना देवगांव में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव उमा शंकर प्रसाद एवं ग्राम रोजगार सेवक राकेश गिरी के साथ ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह के द्वारा विकास खंड परिसर में बुलाकर मारपीट व गाली गलौज की गई। वहीं इस संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आरोप लगाया गया है कि ब्लॉक प्रमुख ने धमकी दी और कहा कि यदि भविष्य में उनके आदेशों का पालन नहीं होगा तो जान से मार दिया जाएगा तथा परिवार सड़क पर आ जाएगा। प्रमुख के इस कृत्य से विकास खंड पलहना में तैनात सभी पंचायत सचिव अत्यंत सहमे और डरे हुए हैं तथा अपने क्षेत्र में कार्य करने में अत्यंत असहज व भ्रमित महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रमुख अनुराग सिंह सोनू की गिरफ्तारी कराई जाए। प्रमुख द्वारा थाना कोतवाली देवगांव में उमा शंकर प्रसाद राकेश गिरी पर साजिशन फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है जिसे वापस कराया जाए। फर्जी मुकदमा दर्ज करने वाले सीओ व दरोगा के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरे जनपद में तैनात पंचायत सचिव की सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम किया जाए। ऐसा है कि 30 तारीख को विकास खंड पलना के प्रमुख द्वारा हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी उमा शंकर और एक रोजगार सेवक उसमें परिवार रजिस्टर की नकल के को लेकर के उनको अपने चैम्बर में बुलाया गया और पूछा गया कि नकल तुमने क्यों दिया। उन्होंने बताया कि मैं नकल आपके परिवार खोलने बनाते आप एक चाचा ने फ़ोन किया, मैं नकल दे दिया। उसके बाद वही जूता चप्पल से दोनों लोगों को मारे पीटे, खड़ा कराए, मोबाइल उन लोगों को ले लिए, बाद में फिर मोबाइल दिए और फिर ये लोग FIR करने जब गए जाते हैं कोतवाली तो कोतवाल उनकी प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रहे थे। तो हम लोग पहली तारीख को हम लोगों को पता चला संगठन को तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किए और ज्ञापन भी दिए। उसके दबाव में आकर के कोतवाल द्वारा FIR दर्ज किया गया, परंतु राजनीतिक दबाव में प्रमुख के लोगों द्वारा आज हमारे दोनों कर्मचारियों के ऊपर भी फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम लोग पहली कल अवकाश होने के नाते कल हम लोग धरना स्थगित था, हम लोगों ने आज पुनः धरना शुरू किया है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक प्रमुख की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो FIR फर्जी दर्ज हुआ है वो वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अपना आवश्यकता हुई तो हम लोग हमारा रामसन भी करेंगे, कार्य बहिष्कार सब कुछ होगा। आज जिलाधिकारी से क्या वार्ता? जिलाधिकारी महोदय से पहले हम लोग CDO साहब से वार्ता किए हैं, बुलाए थे सभा कक्ष में, उन्होंने कहा था वो भी कहे कि ठीक जिलाधिकारी महोदय को निर्णय लेना। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता की, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, उनके द्वारा बताया गया कि मैं जो भी होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा और मुकदमा जाँच करा के मैं मुकदमा वापस कराऊँगा, यही उनका आश्वासन था। संतुष्ट है कि नहीं? हम लोग अभी संतुष्ट नहीं हैं जब तक कार्रवाई नहीं। अभी हम लोग अभी बैठते हैं, हमारा संगठन बैठेगा, जैसा निर्णय होगा वैसा। फिर प्रमुख द्वारा इतना अमानवीय कार्य किया गया तो भाई हम लोगों को सुरक्षा दी जाए ब्लॉकों पर, आए दिन इस तरह के प्रमुखों द्वारा कहीं ना कहीं व्यवस्था की जा रही है, मारपीट दबाव या राजनीति दबाव बन रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जब तक हमको ठोस आश्वासन नहीं मिलता, ठोस कार्यवाही नहीं होती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन अनुरोध चलाते। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।